हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। और आज है भाऊबीज, तो मैं यहाँ पे टीवी देख रही हूँ और इसके बाद मैं कुकिंग करने ऊपर जाऊँगी। हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज है भाऊबीज, यानी दिवाली का चौथा दिन। तो अभी मैं आज बना रही हूँ पूरन पोली। तो मैंने यहाँ पे बनाई है, और ये है पूरन जो मैंने रेडी किया है। तो मोस्टली मैं जब फेस्टिवल रहता है तो पूरन बना लेती हूँ, पूरन पोली। तो यहाँ पे भी रेडी हो चुकी है 3 पूरन पोली और ये है चौथी। सुनिए मैं क्या कर रही हूँ, बना के यहाँ पे रख रही हूँ। तो चलो दिखाती हूँ आपको प्रोसेस। तो आप जितना खट्टाई चाहते थे उतना ही डालिए इसमें। जो है वो कुक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये ब्राउन राइस जो है वो बना रही हूँ मैं भी। तो ब्राउन राइस और पानी मिक्स करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और जब तक मैं वॉक करके वगैरह आती हूँ तब तक ये राइस जो है वो कुक हो जाएगा। इसका अभी इतना अच्छा स्मेल आ गया है ना। तो शाम को मैं क्या करती हूँ, इसमें राइस जो है वो कुक करने के लिए रख देती हूँ और वॉक करके आती हूँ, तब तक मेरा राइस जो है वो कुक हो जाता है। तो इस तरीके से आपका टाइम भी बचेगा, यानी साइड बाय साइड आपका काम भी होता रहेगा। आप जब बाहर गए होंगे तो अपना कुकिंग तो घर पे चालू रहेगा। आप बाहर, क्योंकि मैं वॉक के लिए जाती हूँ तो मुझे 1 घंटा ऑलमोस्ट लग जाता है। तो मैं इसमें राइस करने के लिए रख देती हूँ और वॉक के लिए जा के आती हूँ, तब तक ये राइस जो है ये बन के रेडी हो जाता है। तो बहुत ही, और अभी मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे मेरे रूम में राइस जो मैंने कुक करने के लिए रखा है उसका पूरी रूम में अच्छा सा स्मेल आ रहा है। और ऑटोमेटिकली उसकी पावर जो है वो कट हो जाती है, यानी जब राइस कुक होगा तो ऑटोमेटिकली स्टीमर उसका, यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है वहाँ पे पहुँचने के बाद ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी। तो इस वजह से आराम से साइड बाय साइड आपके रोटियाँ वगैरह सब अगर होते रहेंगे तो साइड बाय साइड ये कुकर भी काम करता रहेगा, है ना, अच्छी बात। सो इस तरीके से राइस जो है वो कुक हो गया है। और
पूरा इसको ऊपर का पानी निकाल दूंगी और स्टार्च फ्री राइस जो है वो रेडी हो जाएगा।